खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार जीना है। गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुप। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। नाम दिल बदनाम लेता जाए तेरा नाम, लाख मनम नहीं माने। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जाए। ये गाने 40 साल बाद भी भुलाए नहीं जा सके हैं, लेकिन इन गानों के जरिए जिस हीरोइन को रिझाने के लिए शम्मी कपूर और देवानंद जैसे अभिनेताओं ने पर्दे पर तरह तरह की अदाएं दिखाई, वह हीरोइन आज गुमनाम हो चुकी हैं। इस वीडियो में उस हीरोइन की बात कर रही हूँ जो रातों रात उस समय की टॉप हीरोइनों के लिए खतरा बन गई थी और जिसके प्रशंसकों में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे। लेकिन खूबसूरत चेहरे और बेहतरीन अदायगी के बावजूद वह कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाई और आखिरकार बेहद खराब स्थिति में गुमनामी में ही जिनकी मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर और तीन देवियां जैसी सुपरहिट फिल्मों में शम्मी कपूर और देवानंद जैसे टॉप के हीरो की हीरोइन बनने वाली कल्पना मोहन की। आप बने रहिए हमारे साथ। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सोनाली पांडे और आप देख रहे हैं फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों हिंदी सिनेमा में मात्र 11 फिल्मों का सफर, लेकिन अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री 60 के दशक की पॉपुलर हीरोइन बनकर उभरी थी। यहाँ से मोड़ पर आ गए जिंदगानी। 62 में चीन से युद्ध ने भारत में हताशा और गुस्से का माहौल बना दिया था, लेकिन उसी दौर में शंकर जयकिशन के संगीत और मोहम्मद रफी साहब के गानों से सजी फिल्म प्रोफेसर ने हंगामा मचा दिया था। 50 साल बाद भी इस फिल्म के गीत भुलाए नहीं जा सके हैं। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार जीना भी मुश्किल है। गुलबदन है गुलबदन, फूलों की महक कांटों की चुभन। आएगा 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 हमारे गांव कोई आएगा, प्यार की डोर से बंध जाए। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। आवाज देके हमें तुम बुला। प्रोफेसर उनकी दूसरी फिल्म थी। उनकी पहली फिल्म शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी हास्य प्रधान नॉटी बॉय थी, जिसमें उनके हीरो थे किशोर कुमार। सा 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 सारे गा 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 गारे, तार दिलों के अब जोड़ दो। पा 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 पामा मारे गमामा, कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दो। कल्पना का जन्म कश्मीर में हुआ था। उनके पिता अवनी मोहन स्वतंत्रता सेनानी थे। पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के साथ उनकी नजदीकी थी। वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे। कल्पना ने बचपन से ही कथक सीखना शुरू किया। जवाहर लाल नेहरू उनके प्रशंसक थे और उनका उत्साह बढ़ाते रहते थे।
कथक में पारंगत होकर वह अक्सर राष्ट्रपति भवन में होने वाले जलसों में नृत्य करती थी। ऐसे ही एक जलसे में अभिनेता बलराज साहनी और उर्दू की नामवर लेखिका इस्मत चुगताई ने कल्पना को देखा तो उन्हें उनके अंदर ग्लैमरस अभिनेत्री की संभावनाएं नजर आई। उन्होंने कल्पना को मुंबई आने की सलाह दी। कल्पना जब मुंबई पहुंची तो इस्मत चुगताई के पति और फिल्मकार शाहिद लतीफ ने पिकनिक नामक फिल्म में कल्पना को भूमिका दी, जिसमें कल्पना के हीरो थे मनोज कुमार। फिल्म पिकनिक के सेट पर ही शक्ति सामंत ने कल्पना को देखा और उन्होंने अपनी फिल्म नॉटी बॉय के लिए कल्पना को साइन कर लिया, जिसमें कल्पना के हीरो थे किशोर कुमार। उन दिनों प्रोफेसर फिल्म के लिए लेख टंडन शम्मी कपूर के साथ नए चेहरे की तलाश में थे और लेख टंडन ने कल्पना को देखते ही साइन कर लिया। प्रोफेसर ने सफलता की नई इबारत गढ़ दी। ए गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुभन तुझे देख के कहता है मेरा मन। फिल्म की कामयाबी का सेहरा शंकर जयकिशन के संगीत, मोहम्मद रफी के गीतों और शम्मी कपूर की अदायगी के हिस्से में आया। कल्पना को इसका उतना फायदा नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। कल्पना इससे मायूस नहीं हुई और आने वाले अच्छे दिनों की आस में वह मुंबई में ही बनी रही। कुछ समय बाद उन्हें देवानंद के साथ तीन देवियां फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में कल्पना के अलावा सिम्मी और नंदा भी थी। तीन देवियां म्यूजिकल हिट साबित हुई। इस फिल्म ने भी रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कल्पना की आंखें बेहद खूबसूरत थी, हर कोई उनकी आंखों की तारीफ करते नहीं थकता था। इस फिल्म में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गानों ने खूब तहलका मचाई, जो 40 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी लोकप्रिय हैं। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, ऐसे तो ना देखो के हमको नशा हो जाए। समय की यह जबरदस्त हिट फिल्म भी कल्पना को खास फायदा नहीं पहुंचा सकी। कल्पना ने करीब 10 साल तक फिल्मों में काम किया। उनका करियर काफी छोटा रहा, लेकिन जब तक वो फिल्मों में रही, दूसरी हीरोइनों के लिए खतरा बनी रही। देवानंद की किसी भी फिल्म की सफलता की शोहरत देवानंद के इर्द गिर्द ही घूमती थी, बाकी वाहवाही इस फिल्म के संगीत को मिली। जब कल्पना ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो उन्होंने एक फिल्म में मधुबाला जैसी सुपरस्टार को भी रिप्लेस कर दिया था। हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन मधुबाला को किसी फिल्म में रिप्लेस करना एक बड़ी बात थी। शम्मी कपूर के साथ उनकी फिल्म प्रोफेसर सुपरहिट हुई थी। शम्मी कपूर के साथ इतनी बड़ी हिट देने के बावजूद जब डायरेक्टर्स ने फिर से शम्मी कपूर और कल्पना मोहन की जोड़ी बनानी चाही तो शम्मी कपूर ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। शम्मी का कहना था कि वो सनकी हैं। शम्मी कपूर उस वक्त के पॉपुलर हीरो में से एक थे। उनके कल्पना को सनकी कहने के बाद से हीरो ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। डायरेक्टर्स भी उन्हें अपनी फिल्म लेने से कतराने लगे। उसके बाद उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुई, जैसे तीसरा कौन और सहेली आदि, लेकिन उन्हें कोई खास लाभ नहीं हुआ और कल्पना को एहसास होने लगा था कि फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों को अपनाना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। देर रात की पार्टियों और दूसरी तरह की मौज मस्ती में वो शामिल नहीं हो सकती। कल्पना को कुछ और फिल्में मिली। इसमें किशोर कुमार के साथ प्यार किए जा और बीवी और मकान भी शामिल थी। ये फिल्में भी कल्पना के करियर को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकी। कल्पना मोहन फेमस होना चाहती थी, लेकिन अपने गिरते करियर को देखकर वो डिप्रेशन में जाने लगी। तभी उनकी लाइफ में फिल्म राइटर सचिन भौमिक आए। कल्पना ने सचिन भौमिक से शादी कर ली। शादी के बाद वो फिल्मों से गायब हो गई, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 1967 में कल्पना ने एक नेवी ऑफिसर से शादी की। दोनों की एक बेटी प्रीति भी हुई। कल्पना के पति की ज्यादा कमाई नहीं थी।
कल्पना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके ससुर उन्हें धमकाते थे और कहते थे कि अपना बंगला मेरे बेटे के नाम कर दो। बाद में दोनों का 1972 में तलाक हो गया। कल्पना ने अपनी बेटी प्रीति को अकेले ही पाला। कल्पना अपनी बेटी के साथ पुणे शिफ्ट हो गई थी। सन 2007 में उनका नाम चर्चा में तब आया जब अकेली रह रही कल्पना मोहन की लगभग 54 एकड़ की जमीन उनके फर्जी दस्तखत के दम पर बेच दी गई। तब तक कल्पना कैंसर की चपेट में आ चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलने पर उनके दामाद हरीश और बेटी प्रीति अमेरिका से आए और कल्पना को लेकर पुलिस में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया। जीवन के आखिर के दिनों में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और लकवा मार गया था। वो 5 साल तक अपनी इस बीमारी से जूझती रही। वो इस बीमारी की वजह से बेहद कमजोर हो गई थी। 4 जनवरी 2012 को हॉस्पिटल में ही उनका निधन हो गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल्पना मोहन के बारे में आपके पास कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में फिर फिल्मों या फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। अब अपनी दोस्त सोनाली पांडे को अनुमति दे। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल।